हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो में रेसिपी है एकदम न्यू स्टाइल और यूनिक वे में राजमा करी बनाने की, जिसको आप बहुत ही इजीली इस रेसिपी से बना के तैयार करेंगे, लेकिन इसका फ्लेवर रेगुलर जो हम राजमा बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट और मज़ेदार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार और फ्लेवरफुल राजमा करी की रेसिपी को। यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले 2 कप राजमा लिया है। ये वाइट वाला मैंने यूज़ करा है और मैंने इसे रात भर भिगो के रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। और अगर आप इसे मेजर करेंगे तो ये लगभग 300 ग्राम के करीब होगा। आप अगर रेड वाला यूज़ करें या छोटा वाला, जिस भी तरह का करें, बस उसे रात भर सोख दें। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे वो भीगा रहना चाहिए। एक तेज़पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का मैं इसमें डाल दूंगी। बेसिकली हमें इसको अभी बॉईल करना है, तो ये दोनों चीज़ों के साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर कर नमक। और उसके बाद ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको हम हाई फ्लेम पर 2 विसल आने तक कुक कर लेंगे। तो देखिए, ये वाला राजमा जो मैंने यूज़ किया है, ये जल्दी गलता है, और क्योंकि मैंने इसको रात भर सोख किया है तो 2 विसल इनफ है। अभी इसको हमें 100% नहीं कुक करना है। राजमा उधर बॉईल हो रहा है तो हम यहाँ पर उसके लिए करी तैयार करते हैं। इस पैन में मैंने ऐड करा है 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल। मैं सरसों के तेल में ये बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर लें। तेल को गर्म करने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए इसको हम भून लेंगे। ऐसे देखिए, बस यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा भून लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐसे काट कर। तो ध्यान रहे, आपको इसमें अनियन का पेस्ट नहीं ऐड करना है, बस इसको इस तरह से बारीक काट के इसमें शामिल कर दें। प्याज को ऑयल में हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक उसका कलर चेंज हो जाए और वो थोड़ा पिंक हो जाए, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 बड़े साइज़ के टमाटर। उसको भी मैंने काट कर यूज़ करा है, मैंने टमाटर का भी यहाँ पर पेस्ट नहीं यूज़ करा। तो दोनों चीज़ें आपको इसमें काट कर ही शामिल करनी है। टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भरकर डाला है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर। नमक हम राजमा को बॉईल करते हुए भी डाल चुके हैं, तो अभी इतना ही डालेंगे, बाद में हम चेक करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर दें। मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून ही डाली है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर हम कुक करेंगे ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। इधर मीडियम फ्लेम पर देखिए, इन दोनों चीज़ों को कुक होते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं प्याज और टमाटर, और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बस इसी पॉइंट तक इसे कुक करेंगे। और इधर देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पर 2 विसल बस इस राजमा में लगाई है और ये ऑलमोस्ट 90% तक कुक है। तो राजमा हमें पूरा नहीं कुक करना है। अब इस राजमा में हम शामिल करेंगे तैयार की हुई ग्रेवी। तो जो रीज़न मैंने आपसे कहा कि उसको 100% नहीं कुक करना है, वो इसीलिए ताकि इस मसाले के साथ भी राजमा कुक हो जाए और उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें डाला है 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाला है टमेटो केचप, और 1 टीस्पून इसमें डाला है सोया सॉस। ये तीनों चीज़ें डालकर आप देखिएगा राजमा का फ्लेवर, इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अब मीडियम फ्लेम पर हमें 1 से 2 विसल इसमें लगा देनी है। बेसिकली आपको राजमा को 100% कुक करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 विसल लगाई थी मसाले को ऐड करने के बाद। इस पॉइंट पर आप इसका नमक मिर्च भी चेक कर लें, क्योंकि हमने चिली सॉस भी ऐड करी है, तो मुझे फर्दर इसमें नमक की ज़रूरत नहीं पड़ी। मसाला डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे 2 विसल लगाएंगे और उसके बाद नेचुरली जब इसका प्रेशर रिलीज हो जाए, तो बस उसके बाद मैंने इसको खोला और यहाँ पर हमारा मज़ेदार और फ्लेवरफुल राजमा करी रेडी है। खूब सारे फ्रेश कटे हुए हरे धनिए को हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट में खुशबू और टेस्ट के लिए, और बस इसको बनाएं और गर्मा गर्म इसको सर्व करें। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि मसाले के साथ भी राजमा को कुक होने का भरपूर टाइम दें। तो अगर आपने राजमा को अच्छे से सोख करा है तो बस 1 या 2 विसल ही पहले लगाइएगा, बाकी की 1-2 विसल, और कम से कम 15-20 मिनट की कुकिंग आप मसाले को डाल के कीजिएगा। नमक और मिर्च का एडजस्टमेंट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। और यहाँ पर तैयार है हमारा मज़ेदार राजमा, जिसे आप सर्व करें राइस, चपाती या पराठे के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।